नमस्कार, और आज हम खड़े हैं एक फेमस जर्मन कार के सामने जिसका नाम है Volkswagen Beetle। ये 21वीं सदी की थर्ड जनरेशन Beetle है और ये हैं बाइजन ऑन हेडलैम्प्स LED DRL के साथ। एक ही मॉडल आता है इसमें, 26,70,000 रुपये का, और वो हैं आप देख रहे हैं हीटेड ORVMs, और ये हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स, थोड़ा सा ब्लैक आउट। हिटलर ने 39 पोर्श को 1934 में कहा था कि एक सस्ती और एक सिंपल कार बनाओ जो नाजी जर्मनी की जनता यूज़ करे, तो 1938 में ये कार लॉन्च हुई थी और 2 करोड़ कारें बिकी थी उस जिसने Beetle को सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने वाली कार बनाया। Beetle को एक कीड़े के, जो Beetle कीड़ा आता है, उसके डिज़ाइन में ही बनाया गया है। वाइट कलर आप देख रहे हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लू कलर भी आते हैं। ये पीछे आपको स्पॉइलर मिलता है, काफ़ी डिज़ाइनर अट्रैक्टिव। यहाँ Beetle की बैजिंग है। आइए फ्रंट का डोर खोलते हैं और गाड़ी के अंदर से लुक देखते हैं। काफ़ी शानदार डैशबोर्ड है, वाइट इंस्पायर्ड ही डैशबोर्ड आपको अंदर मिलता है, और फ्रेमलेस विंडोज, और काफ़ी बड़ा डोर है ये लेंथ वाइज। 8 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, और ये दोनों साइड के विंडो कंट्रोल्स, और ये बाहर वो हीटेड ORVM की कंट्रोल्स, स्कफ प्लेट्स, फ्रेमलेस विंडोज का लुक। ये हैं वियना लेदर सीट्स, कर्टेन साइड और फ्रंट एयरबैग्स भी आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और हिल होल्ड कंट्रोल के साथ ABS भी आपको मिलता है। सीट्स इस टाइप से दिखती हैं, और ये आर्म रेस्ट है, इसको आप उठा भी सकते हैं, और इसके अंदर भी थोड़ी स्पेस दी गई है। ये दो कप होल्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं, और ये है 7-speed DSG ट्रांसमिशन, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी है वहाँ पे, और USB ऑक्स, और ये आप देख रहे हैं क्लाइमेट्रॉनिक डुअल जोन ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, और ये स्टेयरिंग व्हील पेडल शिफ्टर्स के साथ, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, ये रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स हैं यहाँ पे। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। Beetle में आपको मूड लाइटनिंग भी मिलती है, मूड लाइटनिंग। और ये है, थोड़ा स्पेस दी गई है यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। ये ग्लो बॉक्स, ज़्यादा स्पेस नहीं है ग्लो बॉक्स के अंदर, थोड़ा सा स्पेस दी गई है। वैनिटी मिरर्स लाइट के साथ, रीडिंग लाइट्स, और ये कंट्रोल हैं ड्राइवर साइड में, वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है स्लाइडिंग सनरूफ के कंट्रोल। कवर को आपको हाथ से उठाना पड़ेगा, मैनुअल है। हाफ वे मैं खोल रहा हूँ इसको, थोड़ा तो इसमें प्रॉब्लम है सनरूफ में। पीछे की सीट्स और क्लाइमेट्रॉनिक डुअल जोन ऑटोमेटिक कंडीशनिंग, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन, ये है क्रूज कंट्रोल, ये वाइपर कंट्रोल्स हैं, पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, ये ड्राइवर साइड थोड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी गई है। इसको उठा के मैं आपको दिखा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये है 310 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे। इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील और टूल किट यहीं मिलती है। तो ये पीछे से थोड़ा सा अच्छा एक स्पेस यहाँ पर रखने के लिए दी गई है। सीट्स भी फोल्ड आप चाहें तो कर सकते हैं, और बोनट नहीं खुल सकता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम है लीवर में। तो 1400cc का turbocharged TSI पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जिसमें 150 PS पावर है, 250 Nm का टॉर्क है, और 17 का एवरेज आपको मिलता है। तो कैसी लगी आपको Beetle हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।